साथ रहा हूँ, बाड़मेर की जनता मुझे जानती है कि मैं कैसा हूँ, मेरा चरित्र कैसा है। ये पहली बार नहीं हुआ ऐसा, ऐसा पहले भी दो बार पहले हो चुका है। और इस तरह के वायरल जिस तरह से मुझे परेशान करने के लिए और इस तरह का जो ये किया गया है, इससे मैं कभी विचलित नहीं हूँगा, क्योंकि उसका जवाब बाड़मेर की जनता देगी। बाड़मेर की जनता मुझे जानती है कि मैं किस तरह से, मैं चाहे सरपंच रहा, चाहे चेयरमैन रहा, चाहे ये रहा, इन्होंने मेरे पर जो आरोप लगाने वो लगाए, उसकी हाई कोर्ट में, SCD में, CID में, पुलिस में FIR दर्ज हुई, जांचें हुई और मैं निर्दोष पाया गया। बाड़मेर की जनता जान चुकी है, जनता ने वीडियो भी देख लिया है और चरित्र कैसा है वो भी पहचान लिया है। इस समय सोशल मीडिया पर लोग इसी तरह की बातें कर रहे हैं। बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन ने राजस्थान तक से बातचीत में 2 महीने पहले ये बातें कही थी, लेकिन अब जिस तरह से मेवाराम के 2 अश्लील वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि मेवाराम ने बाड़मेर को बदनाम कर दिया। शनिवार से सोशल मीडिया पर मेवाराम लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। चुनाव से पहले खुद मेवाराम महिलाओं के ऊपर हो रहे यौन अपराधों पर चिंता जता रहे थे। अब नेताजी को महिलाओं की कितनी चिंता है, ये तो सबके सामने आ चुका है। कांग्रेस ने मेवाराम जैन को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन उसके बावजूद BJP लगातार कांग्रेस को घेर रही है। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान रेप के मामले में नंबर 1 है। 1 साल पहले गहलोत सरकार में मंत्री रहे शांति धारीवाल ने राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताया था। धारीवाल ने विधानसभा में जब ये बात कही तो कुछ नेता इस बात पर हंसते हुए दिखाई दिए। रेप के मामले में हम नंबर 1 पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये रेप के मामले में क्यों है, कहीं ना कहीं गलती है तो साला, तो वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है, अब उसका क्या करें। वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है, अब उसका क्या करें। इतने गंभीर मुद्दे पर राजस्थान की ऐसी टिप्पणी के बाद नेताओं की ये हंसी राजस्थान को भी शर्मसार करने वाली थी। लेकिन इस बीच पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का एक बयान भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गुढ़ा कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट करवा लो, सदन में रेपिस्ट बैठते हैं। ये सारे के सारे बलात्कारी हैं, सारे के सारे, इनका नार्को टेस्ट कराओ। ये एक एक आदमी धारीवाल का करा लो, चाहे महेश जोशी का, तो यदि सचिन तेंदुलकर है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म के, उन्होंने सारे रिकॉर्ड बना दिए महिलाओं के दुष्कर्म में। यदि कोई डिग्री मिलती तो इनके सबके पास PhD की डिग्री होती है। महिलाओं के साथ इन्वॉल्व थे क्या ये सारे नेता कांग्रेस के? इनके ऊपर फिल्में बन रही हैं, एक दूसरे का मिला हुआ खेल है। धारीवाल का नार्को टेस्ट होना चाहिए, महेश जोशी का नार्को टेस्ट होना चाहिए, इनको और राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। कितनी महिलाओं से इनके अवैध संबंध है वो नार्को टेस्ट में पता चल जाएगा। और ये सारा का सारा अजमेर 92 में किस किस की भूमिका है, इसके अंदर कांग्रेस के नेताओं की भूमिका है, उसके अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी का भी रोल है। अगर गुड़ा की बात में सच्चाई है तो अगला वीडियो किसका वायरल होगा, क्या और भी नेताओं के कांड सामने आएंगे? आपका इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।